हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण की ये बातें। मरने के बाद 13 दिन तक अपने ही घर में रहती है आत्मा। बहुत ही खास वजह है क्यों रहती है आत्मा और किन वजहों से रहती है, तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर तक के बारे में कई बातों बताई गई है। ये ऐसी रहस्यों से पर्दा उठाता है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, इससे अच्छी गति मिलती है। वही पूर्वजनों के आशीर्वाद से व्यक्ति का परिवार खूब तरक्की सुख समृद्धि पाता है। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुटला दे परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है, मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पे आप बने रहिएगा अंत तक ताकि आपको ज्ञान हो सके कि क्यों होता है ये सब। बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर पर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृतक व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृतक शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत अपना को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता है कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक मकाया जाता है उसके मृत्यु आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृत्यु आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वह यमलोक तक की यात्रा तय कर पाते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। दोस्तों, इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के आत्मा यानी कि नाम किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। दोस्तों, इसके अलावा बता दें कि अक्सर लोगों के मन में ये भी सवाल जरूर आता है कि अगर किसी मृतक व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया जाता है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है यमदूत उसे 13वें दिन
जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृत व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना जा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस दौरान आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। फिर परिजन पिंडदान करते हैं, 13वीं के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, इससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है, इसलिए पिंडदान को बेहद जरूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब रहते हैं उनकी आत्मा भी बहुत कष्ट उठाती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।